आओ बेटा आओ। राधे कृष्ण दत्ता जी, हम सब ने बहुत याद किया आपको। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण दत्ता जी, प्रणाम। जी तेरा हो। इस साल रंगोली बड़ी सुंदर मनायो है छोटी दुल्हन। राधे कृष्ण दत्ता जी। जी सब ठीक तो है ना? दत्ता जी ये तो है, आपके बिना घर घर नहीं लगता। सच दत्ता जी, आप नहीं थे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब सब ठीक है। मन ने पूछा, अब सब ठीक तो है ना? हाँ दत्ता जी, अब आप आ गए तो सब सही हो जाएगा। अब तक ये सही ना था? दत्ता जी, वो मैंने कहा था ना आपसे, कारोबार में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, पर अब धीरे धीरे सब संभल रहा है। और अब आप आ गए हैं तो हमें चिंता किस बात की। हाँ दत्ता जी, अब सब कुछ ठीक ही होगा। बड़ी आशा से कह रहे हैं, लागे हैं आप चिंता की कोई बात ना है। दत्ता जी अब क्या बताएं, बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। बड़ी मुश्किल से हम ये पैसा जुटा पा रहे हैं, दिवाली भी कटौती में की। तो अचानक से पैसों का प्रबंध कैसे हो गया हो? मन ने पूछे हो कि कहां से आए पैसे? जी वो कुछ पैसे अटके थे, वो आने वाले हैं। और मारे को बता कहां से आया पैसा? दद्दा जी आप आराम कीजिए, फिर हम बताते हैं ना आपको। मन ने अभी जानना है, बोलो। जब करने में थारे लोगों को कोई हिचक ना थी, कहने में क्या हिचक है? जवान काया टक रही है, घर को गिरवी रखने की बात जब सोचियो तो जेना सोचा कि के कहेंगे। दद्दा जी ऐसा नहीं है। अब तो ना छुपा मारे से, जब जे कागजात खुद मारे हाथ धर गए हैं। राजबन्ना जी, घर गिरवी है हमारा। गायत्री जी, घर गिरवी नहीं है, ये तो बस बैंक वालों ने हमें कहा था किश्तें भरने के लिए और डॉक्यूमेंट्स भिजवा दिए होंगे, लेकिन ये घर गिरवी नहीं है। ये कागजात मारे दस्तखत के वास्ते आए हैं ना, एक दिन में तो तैयार ना हो गए होंगे। अरे लोगों को जे तो पता होगा ना कि जे होने वाला है। दत्ता जी, हमने आपको बताया था ना, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे, लोगों के पैसे नहीं चुका पा रहे थे, लेकिन हमने कोशिश की थी कि ये कैसी कोशिश कर रहे थे कि जे हो गए हैं। दत्ता जी हमारे पैसे आने वाले हैं, हम इंतजाम कर रहे हैं, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखिए अगर पैसे आने में कुछ मुश्किल हो गई तो शायद हमें घर गिरवी रखना पड़ेगा।
कितनी आसानी से कह दे हो कि घर गिरवी रखना पड़ेगा। जी स्थिति आई कैसे रजबन्ना, दादाजी ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ दादाजी, मैं घर को गिरवी रखने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। सच सब ठीक हो जाएगा, आपकी चिंता मत कीजिए। लेकिन ये सब हो कैसे गया, अब क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये नहीं पता कारोबार में नफा हो रहा है नुकसान, ये मैं नहीं जानती। बस अपना घर बचा लीजिए। भाभी माँ आप चिंता ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। और हमने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया कि जल्द ही स्थिति संभल जाएगी, आप चिंता ना करें। मैं ये कह देती हूँ कि इस घर पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। भाभी माँ भाभी माँ भाभी माँ प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होगा, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए माँ। जी 10-15 दिनों के लिए भी पैसे मिल जाते ना तो बहुत बड़ी मेहरबानी होती आपकी हम पर। जी ठीक है, मुझे आपके फोन का इंतजार रहेगा। कभी कोई फैसला तो नहीं हुआ है ना, अभी भी उम्मीद बाकी है। हो सकता है थोड़ी देर में वो चेक आ ही जाए। कहते हैं फैसले से पहले उम्मीद छोड़ देना मतलब हार स्वीकार करना होता है, और हम हार कभी नहीं मानेंगे। आपने तो सबको उम्मीद दिखाई है, फिर आप कैसे ना उम्मीद हो सकते। चलिए पूजा का समय हो रहा है, चलिए पूजा का समय हो रहा है।
सोचा। चलिए ना दत्ता जी, नैतिक सिंघानिया जी। जी माफ कीजिएगा सर, डिस्टर्ब कर रहा हूं। मोदी साहब ने यह चेक अर्जेंटली देने को कहा था, इसलिए आज चला आया। जी इसी का तो इंतजार था। थैंक यू पहुंची। चेक जा? हेलो, हाँ कहिए। ठीक है, क्या हुआ बाऊजी? किसका फोन था? मैनेजर का। मैनेजर का ये कहना है बेटा, इस कंपनी ने जिन जिन लोगों को चेक दिया है वो सब फिर रजबन्ना, वो सब वापस आ गए दत्ता जी। यही आखिरी उम्मीद थी हमारी। नहीं नहीं बाऊजी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमें अभी तक ये भी तो नहीं पता चला ना कि ये सारे चेक वापस क्यों हो रहे हैं। बाऊजी आजकल मार्केट में ना सच्ची खबर से ज्यादा अफवाहें फैली हुई हैं। हमें किसी की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं कल सुबह ये चेक ना बैंक में जमा कर दूंगा और फिर परसों तक किसी भी हाल में ये चेक क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर होना होगा तो। भगवान, अगर पैसे नहीं आए तो क्या हमें ये घर? नहीं नहीं भाभी माँ, परमात्मा हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। हम ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे। पर और कोई रास्ता भी नहीं बचा छोटी दुल्हन। तक तो बैंक खुल गया होगा। एक बार फोन करके पूछ लेता हूँ कि चेक का क्या हुआ। और किसी से कोई बात हुई है कि सारी? नहीं कोई उम्मीद है कि? दादा जी बात तो बहुत लोगों से की, कईयों ने तो हाँ भी कहा मदद करने के लिए, लेकिन दिक्कत ये है दादा जी, हमारी जरूरत बहुत ज्यादा है। मैं देखती हूँ। हेलो, हाँ नंदिनी बेटा। है ना मुन्ना घर पे है, तुम दोनों आ रही हो? कब? अच्छा राधे कृष्ण। मुन्ना, रश्मि और नंदिनी 12 बजे तक पहुंच जाएंगी। भाई दूज है ना बेटा? ओह छोटी दुल्हन चल खाने का इंतजाम करे। भाभी माँ दोनों यहाँ आएंगे तो हमारे घर का माहौल तो देखिए, सब देखकर समझ जाएंगे। इससे अच्छा है हम मुन्ना को भेज दें क्या उनके पास? हाँ ये भी ठीक रहेगा। मुन्ना तू वहां चला जा। लेकिन भाभी माँ मैं। रहने दे मुन्ना, घर की बेटियों से कुछ भी छुपाने की कोई जरूरत ना है। मुन्ना अगर उनके घर गया तो इसका चेहरा देख के सबको पता चल जाएगा। सही तो ये है कि बात घर तक ही रहे तो अच्छा है। दादाजी फिर बहू अपने मायके? ना, बहू को जाना ही चाहिए। माफ कीजिएगा दत्ता जी, पर मैं नहीं जाऊंगी। बेटा कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन तुझे जाना जरूर चाहिए। वहां पर शौर्य, अंशु, भोला सब राह देख रहे होंगे ना तेरी। माँ मैं उन्हें फोन करके मना कर देती हूँ। पर बेटा हम क्या कहेंगे, तू क्यों नहीं आई? कह देंगे कुछ। अब मैं उनसे कह दूंगी कि नन्नी दीदी और रश्मि आ रहे हैं ना, इसीलिए मैं। नहीं बहू, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हमने अपनी बेटियों का तो ख्याल रखा लेकिन उनकी बेटी के बारे में सोचा ही नहीं।
थारे को जाना ही चाहिए बब। तत्ता जी, लेकिन मैं मन ने थारे पे पूरा भरोसा है। नंदिनी की माँ ने मारे को बताया है कि किस तरह से तूने इतनी कठिनाइयों में भी इस घर को संभाली है और आज अपने पीहर में भी इस घर की इज्जत पे आंच ना आने देवेगी। मारे को थारे पे पूरा भरोसा है बहू। चाहते हैं कि मैं जाऊं? हाँ अक्षरा, आपको जाना चाहिए। फिर आप एक वादा कीजिए, जैसे आपकी बैंक में बात हो ना, या आपको कुछ भी पता चले, आप मुझे तुरंत फोन करेंगे। चाहे अच्छा या बुरा, वादा कीजिए नैतिक, नहीं तो आपको पता है ना, मेरा वहां बिल्कुल मन नहीं लगेगा। तुम्हारी यादों का मिला है संग मेरे। अक्षरा, मुझे बहुत डर लग रहा है। 5 बजे तक मैं कैसे रुकूंगा? सब ठीक हो जाएगा, आप ऐसे घबराइए मत। हाँ प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। हाँ ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।